किसान दिवस पर चौधरी चरण सिंह जी की जयंती के उपलक्ष्य में जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय में किसानों का एक मैत्री मैच हो रहा है, कबड्डी का और रस्सा कस्सी का। कबड्डी का मैच यहाँ पर चल रहा है, फार्मर कबड्डी। फार्मर फॉर्मा एक संस्था है जो किसानों के लिए काम करती है, जिसमें विद्यार्थी, शोधार्थी, वैज्ञानिक और रिटायर्ड पर्सन इसमें शामिल हैं। तो मैच का बड़ा आनंदित और रोमांचक सफर चल रहा है। हमारे साथ मूछ वाले दादाजी हैं। जीवन जी, हाँ जी, क्या क्या लाग रहे जो मैच है? बढ़िया लाग रहे जो मैच है। ये मैच परंपरागत खेल है, ये पुराना खेल है जो सदियों चलता आ रहा है। चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री पूरा इंडिया में कृषि के विषय में इतना वो अलग जगह गए जो आज अपन कर भी नहीं पा रहे हैं। तो निश्चित रूप से चौधरी साहब के विचारों के प्रति बड़ी वो। सर, कबड्डी का मैच, चौधरी साहब की जयंती, सब पूरे कार्यक्रम को किस रूप में देखते हैं? ये बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ, इसमें मनोरंजन, गेम्स और सारी एक्टिविटी हुई है। सब युवाओं ने बढ़ चढ़ के काम भाग लिया है, किसान भी इसमें सारे बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं और बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ है। हमारे बीच में मांगीलाल जी झाखड़ हैं। सर, आज का कबड्डी का मैच, आप तो स्पोर्ट्स मैन भी हैं, अभी डायरेक्टर भी हैं, तो पूरे आयोजन को लेकर और चौधरी साहब के व्यक्तित्व को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ जो किसान दिवस का आयोजन किया गया, उसमें सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि हम एक तरफ जहाँ कह रहे हैं कि युवा कृषि से भाग रहा है, लेकिन आज यहाँ देख के ये लगा कि युवा कृषि से दूर नहीं जा रहा, कृषि के नज़दीक आ रहा है। आज सारी एक्टिविटीज़ में हमने युवाओं को देखे, इनोवेटिव एग्रीकल्चर देखी, इनोवेटिव विचार आए, और उनकी जो खास करके प्रदर्शन लगाए किसान युवाओं किसानों ने, उसे लगता है कि हमारा युवा वापस कृषि की तरफ आकर्षित हो रहा है। और अगर इसी तरह के कार्यक्रम कराएंगे तो हमारा युवा कृषि की तरफ आकर्षित होगा और देश में अन्नदाता के अलग से पहचान बनेगी, और यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि चरण सिंह जी को होगी। खेल से क्या गतिविधियों से हौसला अफजाई होती है और रूटीन में आते हैं लोग, अच्छी चीज। तो आज किसान दिवस पर आपको मैच में पार्टिसिपेट करते हुए कैसा लग रहा? बढ़िया लग रहा है सर। अच्छा, तो सबको अच्छा लग रहा है। और इधर कुछ किसान अन्नदाताओं से बात कर लेते हैं। दाजी, आज को कार्यक्रम यूनिवर्सिटी के मायने अरबार वालों मैच किया ना, कहीं चाल रही थे? बढ़िया चाल रही थे। छोरा तो खेल बड़ा थे उस्ताद, मैं तो कोई सौ दिन में एक दिन खेले थे, रोज ना खेल बड़ा थे, कौन सी मैच लड़ाए तो थे बराबर खान खिलाता थे भी, एक सोच भाई बात है कि था किसान ना बचे। अच्छा, आमा को दादा को ही बाल बाल जी, दिवस के आयोजन को लेके, आज किसान दिवस को आयोजन के लिए एसकेएन कॉलेज यूनिवर्सिटी में पहले रस्सा कस्सी का मैच हुआ था, अब बुजुर्गों का कबड्डी का मैच हो रहा है, और अब इसके बाद में दूसरे राउंड के हर गांव से दो तीन टीमें आई है। दादाजी, हाँ, बढ़िया चल रही है खेल। खेल बढ़िया चल रही है, प्रोग्राम क्या ना कहीं हो? बढ़िया ही हो प्रोग्राम, बढ़िया ही हो, बहुत बढ़िया। अच्छा, हाँ सर, बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुई हो, बहुत मजा आयो, और बहुत बातें बताई खेती बाड़ी के बारे में, भाई भी बहुत बढ़िया बताई और बढ़िया प्रोग्राम दे। दादाजी, आज का किसान दिवस का मेला के मायने खेती बाड़ी की किसान का बातें बताया? बहुत अच्छी, ठीक है, और ऐसी बातें हमेशा हमेशा के लिए हमें तो फायदे की बात है। चौधरी चरण सिंह जी की जीवन दर्शन को लेकर एक स्पेशल कार्यक्रम जोबनेर में फार्मर फोरम की ओर से किया गया है। हमारे बीच फार्मर फोरम से जुड़े हुए केसर जी चौधरी हैं। सर, ऐतिहासिक आयोजन की सफलता की बधाई, और उसके साथ आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सबसे पहले तो मैं चौधरी चरण सिंह जी की जो जयंती पर जो किसान दिवस का आयोजन, जिसमें हमारे माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर बलराज सिंह जी ने जो जिनके निर्देशन में हमें सारी सुविधाएं मुहैया करवाई गई, और उनके संयुक्त तत्वाधान में फार्मर टीम ने और विश्वविद्यालय की टीम ने मिलकर बहुत अच्छा और ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ। मैं आज जो चौधरी चरण सिंह जी की जो विचारधारा थी कि जो देश की समृद्धि का रास्ता खेत और खलिहान से होकर गुजरता है, और उनके साथ में उन्होंने जो जमींदारा जो प्रथा उन्मूलन किया, चकबंदी विधेयक लेके आए, किसानों का जो साग का जो जो था विधेयक था वो ऋणमुक्त करवाया, उसके बाद में जो उनकी बहुत अच्छी अच्छी जो किताबें लिखी उन्होंने इंग्लिश में, जो आज भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वहाँ उनकी बुक चलती है, और उन्होंने जो व्यक्तिगत आंदोलन के तहत 13 महीने जब जेल में रहे, उनकी जो शिष्टाचार बुक थी वो भी उनमें भी बहुत अच्छा सार था, और हमारी जो फार्मर फोरम की जो टीम थी उसने भी मिलकर चौधरी चरण सिंह जी की जो ग्रामीण
उत्थान की जो विचारधारा है उस पर एक सारी टीम ने मिलकर एक उनकी विचारधारा पे एक पुस्तक का प्रकाशन किया है। हम उम्मीद करते हैं कि जो आज जो भी किसान यहाँ कृषि किसान दिवस पर जो पधारे वो उसको पढ़ेंगे, उनकी विचारधारा को जीवंत करेंगे और उनकी चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर उनको पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। राम राम साहब, जय जवान जय किसान। तो बिल्कुल, और बढ़िया, हमारी ये दो बेटियां हैं जिन्होंने बहुत अच्छा मैनेजमेंट संभाला और फार्मर फोरम के साथ में जुड़कर आपने अच्छा इनिशिएटिव लिया। चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर, किसान दिवस पर आप एग्रीकल्चर की स्टूडेंट है, आपका नाम परिचय और इवेंट किस तरीके से रहा, आपकी क्या भूमिका रही? सर, माई सेल्फ संगीता चौधरी, आई एम स्टूडेंट ऑफ PhD फर्स्ट ईयर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी, और आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा था और हमें इससे यही सीख मिलती है कि अपन जो सीखते हैं वो फार्मर को किस तरीके से अपन बताएं जिससे सबका बेनिफिट हो, क्योंकि देश में अगर फार्मर है तो सब कुछ है, हम उन्हीं के पीछे हैं। आपका परिचय? मेरा नाम सुमन काटवा है, मैं हिरनौदा से हूँ और मैं PhD फाइनल ईयर में हूँ एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट में, और ये कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। जय जवान जय किसान। तो निश्चित रूप से आज किसानों का ये एक तरह से उत्सव का दिन है, किसान दिवस का, और इस किसान दिवस को आप और हम सब मिलकर इस धरती पुत्रों के सम्मान के लिए हमेशा अच्छे तरीके से मनाते रहेंगे। खिलाड़ी तो नहीं, 11 भाई किए अरे 11 होगा, लो दो और बढ़ा दिया ओ एक और बढ़ा, और चोगी मैं नहीं बस और हो तो एक और ले लो, मैं भी तो एक हमारे ये जो खिला रहे थे जो एक सर जो खिला रहे थे इनके रेफरी को अरे मान नहीं अरे नहीं साहब को ले 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 रहे तो जाएंगे आओ जोर से जोर सब कैप्टन ने मारा पीसी सब ताकत तो इन्होंने अंकल जी ने बहुत जबरदस्त लगाई, जूते पहन के जमीन में घुसा।